ये चांद का रोशन चेहरा। हेलो गाइस, मेरी बाइक में एक प्रॉब्लम आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दी थी कि इसका एक शॉकर लीक मार रहा है, तो उसको थोड़ा देखते हैं कैसे उस पर सही करवा सकते हैं हम बिना उसको बदलवाए। बिकॉज दिस इज़ माय न्यू बाइक एंड मैं अभी कुछ भी बदलवाना नहीं चाहता हूँ इसमें। एंड थर्ड सर्विस भी पेंडिंग है, तो वो भी देखते हैं। तो अभी मैंने शॉप में पता तो किया है, दे आर टेलिंग मी कि 200 रुपये लगेंगे, तो देखते हैं। वैसे मेरी बाइक का एक्सीडेंट भी हो रखा है, इस वजह से भी हो सकता है, बट देखते हैं। अभी तो मैं आ रखा हूँ इस शॉप में। तो गाइस, उस शॉप में मैं गया एंड उन्होंने मेरे से 200 रुपए लिए बस ऑयल सील चेंज करने के लिए। ऑयल सील होती है उसमें, एक तो वो शायद डैमेज हो गई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सर्विस सेंटर क्यों नहीं गया, बिकॉज मेरी बाइक अभी है सर्विसिंग पीरियड में, बट मैं उधर नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ। लगभग लगा लो अगर मैं सर्विस करवाने जाता अपनी बाइक और मैं बताता उनको ये प्रॉब्लम, तो वो इतनी सी प्रॉब्लम 200 रुपए में सॉल्व हो रही थी बाहर, सर्विस सेंटर वाले फॉर श्योर वो पूरा बोलते कि आपका पूरा शॉकर रोड खराब है एंड आपके 5-6 thousand आराम से लगेंगे, ये बोलना था उन्होंने। और क्योंकि मेरे को थोड़ा है ये मैकेनिकल ये नॉलेज है, तो मैंने बाहर से ही कराना बेटर समझा है। और बाकी अभी सर्विसिंग के लिए मैंने इंजन ऑयल अपने आप लिया है, और ये भी एक इशू है सर्विस सेंटर वालों का कि वो ऑयल बदलवाते समय कस्टमर को अंदर घुसने ही नहीं देते। मतलब यार, तुम्हारी गाड़ी है, तुम ऑयल देख सकते हो, लेकिन वो घुसने ही नहीं देते अंदर। तो वो भी मैं बाहर से ही करवाऊंगा, और जितने भी ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर ये मैंने कंपनी से लिए हैं, बिकॉज वो ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं कंपनी के पास। तो चलिए, सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव बॉट फॉर सर्विस, थर्ड सर्विस ऑफ माई अपाचे 200। दिस इज ऑयल फिल्टर, दिस इज एयर फिल्टर, ये डिस्क ब्रेक्स हैं एंड ये इंजन ऑयल। सो ये रही बाइक आफ्टर सर्विसिंग, काफी चमक रही है। ओहो, गंदी हो गई। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाहर से सर्विस क्यों करवाता है, वो मेरा एक रीजन है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है टीवीएस सर्विस सेंटर वालों से, और ना ही वो अंदर आने देते हैं। जब ऑयल चेंज करते हैं तो वो अंदर घुसने नहीं देते हमें, वो कहते हैं बस बाइक छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे, एंड दे विल चार्ज यू फॉर कितना भी वो बोल दें कि ये ख़राब है, तुम्हें कोई क्या पता चल रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है उनके साथ वैसे ही, तो मैं अपने आँखों के सामने ही काम करवाता हूँ एंड मैं इंजन ऑयल भी खुद ही खरीदता हूँ। और यही है, बाहर से काम कराओ उतना ही पड़ जाता है लगभग, और बाहर अपने आंखों के सामने काम कराओगे तो एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है मन को। एंड दिस इज ओनली फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक। तारीफ करूं क्या उसकी जिसे